नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, आपके साथ मैं हूँ फोजिया मलिक। कोरोना के खतरे के बीच देश में अफवाह का वायरस भी बहुत तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में इस समय दो फ्रंट पर कोरोना से लड़ाई चल रही है, एक तरफ अस्पतालों में, दूसरी तरफ मोबाइल पर। क्या कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोगों की 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी, जानिए व्हाट्सएप पर वायरल दावे का सच। सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रेंच नोबेल विजेता के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोगों की 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी। सरकारी संस्था PIB ने इसकी पड़ताल की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस वायरल दावे को पूरी तरह झूठा करार देते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वायरल पोस्ट में नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेनियर के हवाले से कहा गया कि वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को 2 साल के भीतर मौत हो जाएगी। वायरोलॉजिस्ट के हवाले से ये भी कहा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है उनके इलाज की कोई संभावना नहीं है। वायरल मैसेज में लिखा है कि वैक्सीनेशन लगाने वाले लोग सभी 2 साल के अंदर मर जाएंगे। चौंकाने वाले इंटरव्यू में दुनिया के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, जिन्हें पहले से ही वैक्सीन लगाया गया है उनके लिए कोई संभावित इलाज नहीं है, हमें शवों को भस्म करने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। PIB फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ये इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन से कोई भी खतरा नहीं है। PIB ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस इमेज को फॉरवर्ड ना करें। इसके बारे में पूरी जानकारी PIB की वेबसाइट pib.government.in पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।